देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष ने शासन के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। कानपुर के दीप तिराहे से 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शासन के आदेशों को दिखाया ठेंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तिरंगा ध्वज हाथों में लेकर भारत माता की जय की उद्घोष करते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा निकालने में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी शामिल रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हमारी पहले से तिरंगा यात्रा करीब 8 दिन पहले से तय थी, लेकिन सरकार का जो नियम आया कि तिरंगा यात्रा नहीं निकलनी है, प्रशासन ने भी आग्रह किया, तो हम लोग अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चूँकि पहले से सब हो गई थी सूचना, इसलिए सब लोग जो आए उनको वहां से ला के यहाँ पर खिचड़ी और उसका आयोजन है, तो यहां पे पार्क में आके हम लोग इनको सबको कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे और भारत माता को प्रणाम करते हुए आज हम उन शहीदों को याद करते हुए 26 जनवरी को आज हृदय से उनको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और राष्ट्र निर्माण में और देश का गौरव हमारा श्री राम मंदिर, जो कि आप देख रहे थे रथ के रूप में हम लोगों के साथ था, और आज हम लोग गौरवशाली अपने आप को समझते हैं। आज वो क्षण है जो हम लोग राम जी के उनके घर को बनता हुआ देखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ हर एक आदमी, चाहे वो गरीब से गरीब तबके का हो, एक एक रुपया उसमें अपने को लगा के धन मानना चाहता है। साथ में कौन कौन विधायक शामिल हुआ था इस यात्रा में? आज हमारी यात्रा में हमारे क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी जी थे, हमारे बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग, हमारी अनीता गुप्ता जी क्षेत्र में उपाध्यक्ष हैं, वो महिला मोर्चा शिवराम सिंह जी महामंत्री हैं, और हजारों हजार कार्यकर्ता जो आ गए थे, मैंने उनका सम्मान करते हुए उनसे विनम्र निवेदन करते हुए कि क्योंकि हमारा रूट बहुत आगे से वहाँ पर था, लोग वहाँ पे स्वागत करने के लिए भी उत्सुक थे, लेकिन हम लोग अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए प्रशासन के कहने पर हम लोगों ने वहीं से सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ते हुए चौराहे से घुमा के आज यहाँ किशोरी वाटिका में खिचड़ी का आयोजन सब लोगों के साथ हम छोटे भाइयों के साथ बैठ कर करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे पार्टी में, जिन्होंने पूरी अनुशासित तरीके से और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो हम लोग का प्रदेश नेतृत्व का आदेश था उसका पालन किया, इसलिए मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।